है गाइस, तो आज हम करने वाले हैं गजब का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम आज आपको बना के दिखाने वाले हैं एक पावरफुल वाटर रॉकेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर ट्यूडे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं यार। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक बोतल की जरूरत है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरह की यहाँ पे बोतल ले रहे हैं। तो देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे डायलेटर की कोका कोला की बोतल ले रहे हैं। हमें एक नहीं, यहाँ पे तीन चार बोतल की यहाँ पर जरूरत होगी दोस्तों। तो इनको हमें आपस में जोड़ाते हैं, एक बोतल और ले लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक और यहाँ पे ड्यू की बोतल है। तो इन दोनों को हमें दोस्तों आपस में जोड़ना है। जोड़ना हमें कुछ इस तरह से दोस्तों, आपस में आप देख सकते हैं, इस तरह से जोड़ना है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें मोटरसाइकिल की वाल का जो इस्तेमाल करने हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारी मोटरसाइकिल की जो वाल होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे इसके पीछे की तरफ यहाँ पे एक होल करना होगा। साथ में हमें इस जो दूसरी बोतल है उसके जो ढक्कन में जो होल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें होल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने दोनों बोतल में जो है होल कर दिया है। एक के हमने ढक्कन में होल किया है और दूसरी बोतल में हमने पीछे की साइड इसमें होल किया है। अब सिंपली हमें करना क्या है दोस्तों, हमें सिंपली इस बोतल में अब जो है हमें साइकिल की जो वाल होती है उसको फिट करना है। यानी इसको अंदर की तरफ से हम इसको डालेंगे, यानी इधर से ऐसे डालेंगे और उसको यहाँ पे जो है फिट कर देंगे। और उसके बाद इसी के साथ में इसको लेके इस बोतल को भी इस तरह से फिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, उसको जल्दी से जल्दी फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बोतलें फिट करने के लिए हम यहाँ पे धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से इसके धागे इसके अंदर हमने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम सिंपली जो है इस पर इस तरह से इसको अंदर की तरफ डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर इसको डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने जो है अंदर देखिए इस पर इस तरह से इसको लेकर के आ गए हैं। अब सिंपली अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जो है हमारा ढक्कन है इसको भी निकाल देते हैं और इस ढक्कन के साथ इसको टाइट कर देते हैं। और उसके बाद इसमें यहाँ पे अब इसमें ऊपर से जो है दोस्तों नट लगा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो है अपनी बोतल में है जो ढक्कन जो है फिट कर दिया है। अब सिंपली अपनी दूसरी बोतल को भी इसमें जो है कनेक्ट करके दिखा देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारी जो है दूसरी बोतल भी इसमें कनेक्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से हमारी बोतल जो है यहाँ पर जुड़ चुकी है। इसी तरह हमें दोस्तों इसमें एक बोतल को और जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से इसको जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने सभी बोतल को जो है आपस में जोड़ दिया है। हमने पहली बोतल यहाँ पे आपको जोड़ करके दिखाई, उसके बाद दूसरी बोतल हमने दोस्तों यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिए। तो दोस्तों इसी तरह से अपने तीन बोतल जो है आप देख सकते हैं हमने जोड़ दिए। सिंपली दोस्तों, ये हमारा बेस जो है तैयार हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें इस तरफ से इसका जो है लॉन्चर बनाना होगा। तो लॉन्चर जो है दोस्तों हमने पहले से बनाया हुआ है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्चर है जो कि हमने पिछली वीडियो में भी इस्तेमाल किया था। अगर आपने नहीं देखा है, आई बटन पे उस वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली दोस्तों, ये हमारा लॉन्चर है। हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दो होल है, यहाँ पे दो होल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दूसरी साइड भी होल है, उसमें एक यू क्लिप लग जाएगी। उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे नीचे से हम इसमें हवा भर सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे अपने साइकिल का जो पंप है उससे हवा भरेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसके जो लॉक है हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। उसके बाद जैसे हम लॉक को इसको हटाएंगे तो हमारे जो रॉकेट है जो काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको उसको लॉन्चिंग पैड पर ले जाकर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा वर्क। अपना जो है रॉकेट जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब सिंपली इसको लॉन्च करते हैं दोस्तों। लॉन्च करने के लिए हमने यहाँ पर लॉन्चर जो है तैयार कर दिया है दोस्तों। सिंपली ये इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे चला जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जैसे इसमें हम नीचे से इसमें हवा भर देंगे, हवा भरने के बाद दोस्तों जैसे हम इसके लॉक को हटाएंगे दोस्तों, तो उसी तरह हमारा जो है रॉकेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें पानी भर देते हैं। तो गाइस, हमने बोतल में जो पानी भर दिया, अब सिंपली चलते हैं इसको लॉन्चिंग पैड की साइड अपने। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब सिंपली अपने यहाँ पर हम इसको करने वाले लॉन्च। सबसे पहले इसको उसमें डाल देंगे, हमने पानी बोतल के अंदर भर दिया है। तो गाइस अब सिंपल यहाँ पर अपने जो है यू क्लिप हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। हमारा लॉक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से दोस्तों, तो गाइस सिंपल अब इसमें हवा भरते हैं। तो गाइस सिंपली हमारे हमने यहाँ पे हवा भर दी, आप करते हैं इसको लॉन्च। थ्री
3, 2, 1। गाइज आपको हमारा होममेड वाटर पावरफुल रॉकेट कैसा लगा चैट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के साथ हम आपको मिलते रहते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।